सो हेलो फ्रेंड, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पावर प्लांट एग्जाम या इंटरव्यू, खासकर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पावर प्लांट से रिलेटेड इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आप देखे होंगे कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ठीक है, कि बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो है वो क्लियर है कि नहीं। तो जो भी पावर प्लांट से रिलेटेड, चाहे वो पावर प्लांट में बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे आपका बॉयलर हो गया, टर्बाइन हो गया, कंप्रेशर हो गया, पंप हो गया, कोल हैंडलिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, उसको हम लोग पूरा बेसिक फंडामेंटल भी समझेंगे और शॉर्ट में उसका, एट द लास्ट वीडियो के लास्ट में हम लोग शॉर्ट में भी देखेंगे कि कैसे उसको इजीली आंसर दे सके, क्योंकि इंटरव्यू में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो नॉर्मली आपको 1 मिनट या आधे मिनट में उसका आंसर देना है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग तो समझेंगे ही, साथ में शॉर्ट में कैसे आंसर देना है उसको भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, ठीक है, या क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं, तो वो आपका आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूं। ओके, और ये जो भी वीडियोस बनेंगे, जो ये क्वेश्चन आंसर होंगे, वो पावर प्लांट से रिलेटेड किसी भी तरह का एग्जाम होता है तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कोई एग्जाम हो, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम या कोई इंटरव्यू हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई एग्जाम इंटरव्यू होता है तो उसमें खासकर पूछे जाते हैं। ओके, चाहे आपका कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम हो, जैसे बॉयलर अटेंडेंट हो गया, बीओई हो गया, ठीक है, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एग्जाम इंटरव्यू हो गया, तो इन सभी में जो क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं ना, वो लगभग आसपास में ही पूछे जाते हैं। पावर प्लांट से रिलेटेड ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन ही होते हैं, तो उसी को लेकर हम लोग पूरा जितना हो सके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो इस पर बनाएंगे, ताकि पावर प्लांट का एक ओवरऑल जो आइडिया जो है कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरह का लेवल होता है। तो आइडिया कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग एक पहला बेसिक सा क्वेश्चन आंसर जो है वो, जो कि पावर प्लांट से रिलेटेड ही है, पावर प्लांट में जो एफडी फैन और जो आईडी फैन यूज किया जाता है उससे रिलेटेड है। ओके, मेनली उसमें हम लोग जो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आमतौर पे काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंटरव्यू होता है चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, अक्सर ये पूछा ही जाता है। ओके, क्वेश्चन ये है कि व्हाई साइज ऑफ आई डी फैन इज बिगर एज कम्पेयर टू एफ डी फैन, यानी कि आई डी फैन का मतलब होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और एफ डी फैन का मतलब होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, ये आपके बॉयलर में लगे होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये बोला कि ये जो आई डी फैन है ना, ये आई डी फैन हो गया, ओके, और ये होता है एफ डी फैन। ओके, तो ये बोल रहा है कि इसका जो साइज है इससे बड़ा क्यों होता है, इसका जो होता है ये बिगर क्यों होता है साइज। ओके, क्वेश्चन यही है, इसी को घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि एफ डी फैन का जो साइज होता है वो छोटा क्यों होता है, या एफ डी फैन की कैपेसिटी जो होती है वो आई डी फैन से कम क्यों हो सकती है। तो इंटरव्यू कैसे भी घुमा सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो इसको आंसर देखते हैं, तो तीन इसके मेनली रीजन है, एक होता है एयर डेंसिटी या वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, एक होता है वॉल्यूम फ्लो रेट के ऊपर कि कितना आपका जो है फ्लू गैस फ्लो कर रहा है, ठीक है, और तीसरा जो रीजन होता है वो है स्टैटिक प्रेशर और सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर। इन तीनों रीजन को देखते हुए ही इनका जो साइज हो या कैपेसिटी है वो डिसाइड या डिजाइन किया जाता है, जिसमें अगर हम लोग पहला बात करें एयर डेंसिटी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एफ डी फैन होता है वो डील्स विथ एम्बियंट एयर विच इज डेंसर एंड कूलर। जो एफ डी फैन होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल एटमोसफेयर पर एटमोसफेयरिक एयर को सक करता है और फिर फर्नेस में भेजता है, तो उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है और वो ठंडा भी होता है। दिस अलाउ द फैन इज स्मॉलर फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कंपेयर टू डेट ऑफ आई डी फैन हैंडल। अब चूंकि आई डी फैन जो होता है वो हॉट एयर को फ्लो करता है, तो किसी अगर एयर को हम अगर गर्म करेंगे वो हॉट होगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, तो ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा डेट मीन्स जो है डेंसिटी जो है वो घटेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम है, ओके, तो ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसको हैंडल करने के लिए हमको एक बिगर इंपेलर की ज़रूरत पड़ेगी, बिगर फैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपका जो ये एफ डी फैन जो होता है उसकी साइज स्मॉलर होती है और आई डी फैन का रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट या साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ओके, वही उसी के चीज़ को आई डी फैन के सेक्शन में लिखा गया कि हैंडल हॉट फ्लू गैस कमिंग आउट ऑफ कंबसन चेंबर विच आर एट हाइयर टेम्परेचर एंड लोअर डेंसिटी कंपेयर टू एम्बियंट एयर टू मूव द सेम मास फ्लो रेट ऑफ दिस गैसेस द आई डी फैन नीड्स टू बी लार्जर टू कंपनसेट फॉर रिड्यूस द डेंसिटी। तो इस ये वही बोल रहा है कि आई डी फैन चूंकि आपका हॉट फ्लू गैस एयर को हैंडल करता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम जो होती है वो हाई होती है, और इस हाई को हैंडल करने के लिए उसकी जो साइज का रिक्वायरमेंट होता है वो
बड़ा होता है, ओके, ज़्यादा का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट रीजन क्या, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो जो एफ डी फैन जो होता है वो कोल्ड एयर को सक करके फर्नेस में डिस्चार्ज करता है, तो जो एयर होता है वो कम्बसन में रोल निभाता है, और जब ये कम्बसन में रोल निभाता है तो जो फ्लू गैस, कम्बसन के बाद जो फ्लू गैस बनता है, तो उसमें एयर तो है ही, साथ में जो कम्बसन वाले जो प्रोडक्ट है, जैसे आपका CO2 हो गया, H2O हो गया, और भी सारे जितने सारे कम्बसन एलिमेंट होते हैं वो इनमें रहते हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसे हैंडल करने के लिए एक लार्जर फैन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आईडी फैन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट जो है वो है स्टैटिक प्रेशर और सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि जो एफडी फैन, जब एफडी फैन क्या होता है कि बॉयलर के लास्ट में लगा होता है जस्ट चिमनी से पहले, तो वो क्या करता है, वो फ्लू गैस को सक करता है, ठीक है, फ्लू गैस को वो खींचता है, तो जब वो फ्लू गैस को खींचता है ना, तो उसके खिंचाव के दौरान जो फ्लू गैस का पाथ होता है उसमें कई सारे रेजिस्टेंस आते हैं, जैसे उसका पूरा पाथ होता है, ठीक है, कैसा डक्ट होगा, ठीक है, कैसे उसके पाथ होंगे, ओके, तो उस समय क्या होता है वहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होता है, साथ में कोई मान लीजिए आपका कोई फिल्टर वगैरह लगा हुआ है या कोई इक्विपमेंट लगा है, जैसे मान लीजिए ESP लगा हुआ है, स्क्रबर वगैरह लगा हुआ है, तो ये सभी जगह पे ना प्रेशर रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वो सही से वो जो होगा वो सक नहीं हो पाएगा, तो सही से सक हो पाए, आसानी से सक हो पाए, ठीक है, आसानी से खींच के फ्लू गैस को चिमनी से बाहर निकाला जा सके, इसलिए भी आईडी फैन का जो साइज जो होता है वो बड़ा होता है, इसको यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। तो ये पूरा बेसिक एक फंडामेंटल जानकारी हो गई कि क्यों आईडी फैन का साइज जो होता है या कैपेसिटी जो होता है वो बड़ा होता है एफडी फैन। अब इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में कैसे आंसर दे सकते हैं, जैसा कि इंटरव्यू में आपको देना है, तो फाइनली आंसर इन शॉर्ट, यानी कि मैंने लिख दिया है कि शॉर्ट में आपको कैसे आंसर देना है, ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द लार्जर साइज ऑफ आईडी फैन इज प्राइमरी ड्यू टू द नीड टू हैंडल ए ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ लेस डेंस हॉटर फ्लू गैस एंड ओवरकम हायर सिस्टम रेजिस्टेंस कंपेयर टू एफडी फैन विच हैंडल कूलर डेंसर एम्बियंट एयर विथ लेस ओवरकम रेजिस्टेंस। तो बोल रखिए एफडी फैन में एक तो रेजिस्टेंस कम है, ऊपर से वो कूलर एयर को हैंडल करना कर रहा, साथ में वो डेंसर है, तो इसमें इसका साइज जो होगा कम होगा, वही एयर जब फ्लू गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो चूंकि वो गर्म भी हो जा रहा है, ठीक है, लेस डेंस हो जा रहा है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रही है, हॉट हो जा रहा है, और साथ में इसमें सिस्टम रेजिस्टेंस भी है, तो उसको हैंडल करने के लिए जो आईडी फैन का जो रिक्वायरमेंट होगा उसकी जो साइज होगी वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट में आपको यहाँ पे आंसर देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।